वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बनाएंगे खोया पनीर की सब्ज़ी, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही रिच ग्रेवी, बहुत ही डिलीशियस बनती है सब्ज़ी, खासतौर से गर्मा गर्म चावलों के साथ तो बस मज़े आ जाते हैं। ये आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सारी चीज़ों को हमें करना है बॉईल। टमाटर के ऊपर के हिस्से को हटा के इस तरीके से कट लगा के इसको डाल देंगे पानी में बॉईल होने के लिए। इस ग्रेवी में जितने टमाटर रहेंगे उसका आधा प्याज रहेगा, आधे से थोड़ा सा कम मान लीजिए। मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने ली है अदरक और दो मिर्च ली हैं। अगर हलवाई वगैरह को आप बनाते देखेंगे तो मिर्चें इसमें 5 से 6 जाती हैं, लेकिन मैं इसमें कम यूज़ कर रही हूँ। लहसुन की कलियाँ 3 से 4, मगज़ के बीज यूज़ किए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स। मुट्ठी भर काजू, 12 से 15 काजू हैं। मगज़ से थोड़ी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाती है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे बिल्कुल हटा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बॉईल हो गई हैं, इसको छान लेना है। इसको छानने के बाद ठंडा ज़रूर होने दें, नहीं तो सब्ज़ी के कलर पे फ़र्क पड़ेगा। ठंडा होने के बाद टमाटर को, चूँकि मेरी मिक्सी बहुत हाईटेक नहीं है तो मैं टमाटर को अलग और प्याज को अलग पीसूँगी चटनी जार में। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून, लेकिन ट्रेडिशनली ये सब्ज़ी शुद्ध घी में बनती है और 6-7 टेबलस्पून शुद्ध घी इसमें जाता है। तो अगर आप किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं या फिर गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 से 3 छोटी सी दालचीनी और 2 लौंग डाली हैं। यहाँ पे अपना वाइट पेस्ट, जो हमने अनियन का पेस्ट बनाया था, और टोमेटो पेस्ट, तीनों चीज़ें डाल दी हैं। इनको भुनने देंगे 5 मिनट के लिए। इसको बराबर चलाते रहना है क्योंकि वाइट ग्रेवी है तो नीचे लग सकती है, और यहाँ पे ऑयल भी मैंने कम डाला है। अब इसमें मसाले जाएंगे, बेसिक इंडियन स्पाइसेस, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है, नमक स्वादानुसार, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून। साथ में मैं ऐड करूंगी देगी लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, जिससे कि सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा है क्योंकि हमने तेल का इस्तेमाल कम किया है। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। बस इससे ज़्यादा इंडियन स्पाइसेस में और कुछ भी नहीं जाता है, सारे मैंने डाल दिए हैं इसमें। और अब इसे भुनने देंगे कम से कम 5 मिनट। अब यहाँ पे 5 मिनट मसाले भुनेंगे जब तक कि इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती है, तो फिर इसको भुनने देते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स मैं ऐड कर रही हूँ खोया, ये 100 ग्राम के करीब खोया है। इसको भुनने देते हैं और 5 मिनट, क्योंकि खोया भी घी रिलीज़ करेगा। खोया अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। अभी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, मेरे पूरे किचन में सब्ज़ी की खुशबू फैली हुई है। हल्की सी शुगर, क्योंकि टमाटर का यूज़ हुआ है तो शुगर तो यूज़ करेंगे टमाटर की एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। अभी ग्रेवी बन के हमारी रेडी है, इसमें ऐड करेंगे काजू किशमिश, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे पनीर, आप चाहें तो पनीर को शैलो फ्राई करके डाल सकते हैं। जितना अच्छे से घी और बटर का यूज़ होगा सब्ज़ी का स्वाद उतना ज़्यादा ही अच्छा आएगा। पानी फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा रखना है क्योंकि ये सब्ज़ी रखे रखे अपने आप इसकी ग्रेवी थिक होती है, सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है, तो पानी मैंने इसमें ज़्यादा यूज़ किया है। ढक देंगे और 5 मिनट पकने देंगे। बॉईल आ गया है, गैस मैंने बंद कर दी है, सब्ज़ी बन के रेडी है। गार्निश करेंगे हरे धनिया के साथ। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है फ्रेंड्स। मेरे पेज जॉयस किचन को फॉलो करें, मैं फिर से हाज़िर होंगी ऐसे ही छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।